नमस्कार, घर का शेफ फ्राम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बचे हुए दाल और चावल से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे। अगर दाल और चावल बच जाता है तो उसको खाना कोई भी पसंद नहीं करता कि दूसरे टाइम उसको खा ले, लेकिन अगर हम इस तरह से नाश्ता बना के किसी को देंगे तो बहुत ही पसंद करेंगे सब लोग। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे सुबह चावल बनाया था तो एक बाउल चावल बच गया है और आधा बाउल दाल है। तो आप जब भी लीजिए तो चावल का आधा दाल लीजिए, या थोड़ा सा कम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दाल ज़्यादा नहीं लेना है कि चावल से ज़्यादा दाल बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम एक मिक्सी जार लेंगे और ये चावल इसमें डाल देंगे। ये देखिए चावल मैंने डाल दिया है और दाल भी हम डाल देंगे। मैंने यहाँ अरहर का दाल लिया है, मैं अरहर का दाल बनाई थी। आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो दाल आप बना रहे हैं। तुअर का दाल मैंने बनाया था। इसको बंद करके हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो इसको हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। मैंने इसमें खाली कर लिया है। तो अब हम इसमें एक चम्मच ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच है। तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं, या मैदा भी ले सकते हैं, या रवा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे और ये देखिए बारीक टुकड़ों में, बहुत ही बारीक टुकड़ों में कटा हुआ ये गोभी है, कॉलीफ्लावर, तो इसको डाल देंगे। और गाजर मैंने घिस के रखा है तो इसको भी डाल देंगे। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा बीन्स है, बीन्स भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है तो इसको भी डाल देंगे इसमें। और घिसा हुआ अदरक और लहसुन आप पेस्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और बारीक टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च और बारीक टुकड़ों में कटी हुई धनिया पत्ती और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अगर चावल में नमक डाल के बनाते हैं तो उसको ध्यान में रख के फिर इसमें नमक डालिए, क्योंकि दाल में भी नमक रहता है और चावल में भी, तो थोड़ा कम ही डालिएगा। मैंने प्लेन चावल बनाया था और दाल में नमक था तो मैं उसको ध्यान में रख के नमक डाल रही हूँ। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला होगा तो इसको डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि बिना ऑयल लगाए ये अच्छे से रोल नहीं होगा। हम इसको गोल करेंगे तो चिपकने लगेगा, इसलिए ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसको इस तरह से हम गोल गोल करके और इसमें रखते जाएंगे एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, साइज आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल करके रख लिया है। तो इसको हम दो तरह से बनाएंगे, एक तो अपम पैन में बनाएंगे और एक डीप फ्राई करेंगे। तो अगर आप कम ऑयल पसंद करते हैं तो अपम पैन में बना सकते हैं या तवे पे भी बना सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप डीप फ्राई कर लीजिए। तो हम दोनों तरह से बनाएंगे यहाँ पे। पहले हम अपम पैन में बनाएंगे। ये देखिए मैंने अपम पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। तो इसमें हम दो दो बूंद ऐसे ऑयल डाल देंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे। ये देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है। तो ये बॉल हम लेंगे एक ऐसे और इस तरह से फिर से करके और हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं, गोल गोल इसमें डाल दीजिए। तो मैं हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ और इस तरह से इसमें रखते जाएंगे। अपम पैन में हम रख दिए हैं तो इसको इस तरह से ढक देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। इसको ढकना जरूरी है क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल डाले हैं तो अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए अब इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया था, तो अब हम लिड को हटा देंगे, उसके बाद इसको पकने देंगे ताकि नीचे साइड से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए किस तरह से क्रिस्पी हो गया है ये, इसको पलट देंगे दूसरी साइड से। ये
मैंने इसको पलट दिया है। अब इस साइड से भी हम एक एक ऐसे एक एक ड्रॉप डाल देंगे, एक एक बूंद ऑयल साइड में डाल देंगे ताकि उस साइड से भी ये क्रिस्पी हो जाए। इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही इसको पकने देंगे दूसरे साइड से भी। ये देखिए दूसरे साइड से ये क्रिस्पी हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। देखिए सब हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के निकाल लिया है, तो अब हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक एक बॉल ऐसे डालेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए और बहुत कम गर्म ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रहे। इसमें दाल बिल्कुल ज़्यादा ना मिलाइएगा, अगर आप दाल ज़्यादा मिला देंगे तो इसके बिखरने का डर रहेगा, तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएगा। इसको हम ऐसे हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ऑयल में पड़ने से तुरंत ये थोड़ी देर के बाद ये क्रिस्पी होगा, कड़ा होगा, तो आप इसको कलछी से चला सकते हो। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला था ताकि अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो जाए। आप चावल का आटा डालेंगे तो भी वही काम करेगा, या रवा डालेंगे सूजी तो भी वही काम करेगा, कुछ नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हो। फ्राई करते समय आप ध्यान रखिए कि जब इसको पीसिए तो बिल्कुल बारीक पीसिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता हो जाता है, तो फिर अगर बारीक नहीं रहेगा तो छोटे छोटे दाने मुँह में पड़ेंगे। और अगर आप अपम पैन में या तवा पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा अगर मोटा भी है तो भी कोई बात नहीं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही बढ़िया लगेगी, सभी लोग इसको मांग मांग के खाएंगे, इतनी स्वादिष्ट लगती है ये, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये दाल और चावल से बना है, वो भी बचे हुए दाल और चावल से। आप चाहें तो तवा पे भी हल्का सा ऑयल लगा के और इसको उसके ऊपर रख दीजिए, ढक के पकने दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप लिड हटा दीजिए और उसको क्रिस्पी होने दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया लगता है तवा पे भी बना के। अगर आपको ऑयल से परहेज है, बिल्कुल ऑयल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप तवा पे बनाइए। देखिए ब्राउन हो गया है, कलर चेंज हो गया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बचे हुए दाल चावल से नाश्ता बनके तैयार है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, जो हम डीप फ्राई किए हैं वो तो ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा पड़ा है, लेकिन ये वाला जो हम अपम पैन में बनाए हैं या तवा पे बनाएंगे वो ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि इसमें कम ऑयल पड़ा है। आप इस नाश्ते को जिसको भी खिलाएंगे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बचे हुए दाल चावल से बना है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसको बना सकता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें आप वेजिटेबल अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है, या आप नहीं चाहते हैं तो वेजिटेबल मत डालिए। आप इसको बनाइए और फिर उसके बाद अपना कीमती कमेंट दीजिए कि कैसा बना है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, तो नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब को टच करके और फिर बेल आइकन आ जाएगा, तो बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।